आप देख रहे हैं शार्क मीडिया न्यूज, सबसे तेज सटीक खबर। खान मनसूबपुर क्षेत्र के हैं और ये शहर में आए थे और इसमें जो मृतक मोहित है, इसके द्वारा आमना सामना ये दूसरी मोटरसाइकिल वाले से हुआ। इसके द्वारा जो दूसरी मोटरसाइकिल सवार लड़के थे उन पर इसके द्वारा चाटा मारा गया। उसके उपरांत उन्होंने तत्काल इसे कर्मचारी निकाल के गोली मार ये हॉस्पिटल लाए गए। हॉस्पिटल में इसकी मृत्यु हो गई और तीनों लड़के आइडेंटिफाइड हैं। उनके तीन टीमें बना के उनकी गिरफ्तारी के लिए दर्ज की। देखिए अभी सारी चीज़ें निकाली जा रही हैं। जो लड़का इसके साथ था मृतक के, उसके द्वारा बताया गया कि ये पहले एक साथ रहते थे 15-20 दिन पहले से और साथ ये खाते पीते थे, उन्हीं के साथ घूमता था ये जो मृतक है। मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई आपस की बात जरूर होगी जो जो इस तरह की बात। सर ये जो दो गुट बताए जा रहे हैं पढ़ने वाले छात्र थे, क्या कुछ पता लगा? इनमें कोई मुझे लगता नहीं पढ़ने वाला छात्र है, क्योंकि मैंने जो मृतक के साथ था वो तीनों के बारे में पता किया, वो भी पढ़ने वाले नहीं है और ये जो लड़का है ये भी पढ़ने वाला नहीं है। ये मनसूबपुर क्षेत्र के रहने वाले और इसी तरह के हैं जो जो घूमने फिरने वाले हैं। दो बाइक पर दो बच्चे, तीन तीन थे उनको, पहले बातचीत करी उन्होंने, फिर आपस में किसी बात में मारपीट हुई। जी जो मारपीट करने वाला था उसको गोली लगी, जो पीट रहा था उसके साथी था उसको गोली मार दी। ये मामला कितने लोग थे? तीन एक बाइक पर थे, तीन एक बाइक पर, तीन पीटने वाले थे, तीन मारने वाले। तो क्या यहाँ पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं? पुलिस की व्यवस्था नहीं, यहाँ चौबीस घंटे भीड़ रहा। श्रीराम कोच के बच्चे हैं, इतनी बदतमीजी कर रहा हूँ बस हमें बताएं, कॉलोनी के लोग हैं, हम कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? और चौबीस घंटे एक तो मोटरसाइकिल चार चार पाँच पाँच बैठ कर घूम, ना कोई व्यवस्था है ना पुलिस चौक है। यहाँ पर एक स्नाइपर ब्रिगेड रहना चाहिए चौबीस घंटे, उसके बाद पुलिस वाले की कोई व्यवस्था नहीं। कितनी गुंडागर्दी श्रीराम कोच की वजह से हमारे मोहल्लों में हो रही, वो तो देखने वाला है ही नहीं। सर पैसे चाहिए, पैसे बना रहा हूँ।